सभी लोगों को स्वागत है। मैं ओम प्रकाश यादव, आप सब लोगों का इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। कई एक दिनों से ये मॉर्निंग न्यूट्रिशन का कार्यक्रम चल रहा है और बिल्कुल शांत तरीके से चल रहा है। आज हम लोग बात करेंगे होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। और जब हम स्वास्थ्य बोलते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है हमारे शरीर, हमारे मन यानी आत्मा, हमारे समाज और यूं कहें कि ब्रह्मांड से। क्या ये कोई नया कॉन्सेप्ट है? क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? क्या कुछ नया हमने कर लिया है? हम इस पूरे परिचर्चा को तीन भागों में विभक्त करेंगे कि स्वास्थ्य, पोषण, आहार, योग और संपूर्ण स्वास्थ्य आधुनिक जगत में कैसे, क्या ट्रेंड में है। उसके बाद वैदिक काल, आयुर्वेद काल और यहां तक कि श्रीमद् भगवद गीता में योग, स्वास्थ्य, आहार, व्यायाम, पोषण आदि के बारे में क्या चर्चा की गई। इससे यह स्पष्ट होगा कि यह न तो कोई नया कॉन्सेप्ट है, यह बात अलग है कि कालांतर में हम लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में ऐसे परिवर्तन किए जिसके कारण कई विकृतियां आई, समाज, देश और संपूर्ण मानव जाति दो चार हो रहा है। मैं कुछ स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूं और यस आप इसको देखें तो आपको स्पष्ट होगा कि यह स्वास्थ्य और पोषण ये सभी चीज दुनिया भर के कंसर्न। कई लोग को मालूम होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीजों पर नजर रखती है और आपको एक सुखद आश्चर्य होगा कि स्वास्थ्य का भी एक संविधान है। जैसे हर देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही स्वास्थ्य का भी एक संविधान है। जब हम संविधान बोलते हैं इसका मतलब एक सैक्रोसैंक्ट डॉक्यूमेंट है। इसको देखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 19 जून से जुलाई 1946 में एक पूरा कन्वेंशन किया था, एक जिसमें लगभग 61 देशों ने और टेरिटरी ने भाग लिया था। यह न्यूयॉर्क में हुआ था और 7 अप्रैल 1948 को स्वास्थ्य संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेल्थ को अडॉप्ट किया गया और उसमें एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दिया गया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यह यूनिवर्सल डेफिनेशन का सार, का स्पिरिट श्रीमद् गीता से लिया गया। हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे थे, उसके ओरिजिन को पढ़ रहे थे। एक और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। वो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जहां मेडिसिन, हेल्थ आदि के बारे में सबसे ज्यादा किताबों का, रिसर्च का और पब्लिकेशन का संग्रह करके आश्चर्य होगा। उसमें रेफर किया गया है भगवत गीता को और एक यूनानिमस डेफिनेशन एक्सेप्ट हुआ 1948 7 अप्रैल को। वो कहता है कि हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डीजी और इन्फर्मिटी। सिर्फ बीमारी नहीं, स्वास्थ्य नहीं है, यह संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो कंप्लीट स्वस्थ होता है उसी को हम स्वास्थ्य बोलते हैं। तो हमने कहा कि अनेक काल की परिभाषा है। थोड़ा और पीछे चलते हैं, हम अपने देश की ओर लौटते हैं। आप इसको देखिएगा तो आपको बहुत सुखद आश्चर्य होगा। वैदिक एज में जो सबसे बड़े स्वास्थ्य के पुरोधा हुए महर्षि धन्वंतरी 800 BC में, कहा जाता है कि 800 बीसी से लेकर के 1000 एडी तक, यानी लगभग 2200 आसपास, यह गोल्डन एज ऑफ इंडियन मेडिसिन, भारतीय आयुर्विज्ञान का यह स्वर्णिम काल था। और इसी महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, और महर्षि सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। एक फैक्ट आपको बता
हैं कि इस विश्व का, इस मानव जाति का जो सबसे पहला कोई फिजिशियन हुआ था तो वो महर्षि थे, और सबसे पहला सर्जन इस ब्रह्मांड, इस धरती का, मानव जाति का, वो महर्षि सुश्रुत थे। आयुर्विज्ञान में एक और शानदार अध्याय जुटा महर्षि भागवत के बारे में। ये 8th सेंचुरी एडी में ये आए और इन्होंने दो बहुत शानदार पुस्तकें लिखी है। एक पुस्तक मैं अभी पढ़ रहा हूं, अष्टांग हृदय संहिता, और दूसरा अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय संहिता उपलब्ध है, संस्कृत के श्लोक के साथ इसके हिंदी के भी रूपांतर है, आज उस पर बात करेंगे। और हमको एकदम आश्चर्य लगता है, ये सुखद संयोग है कि जो मॉर्निंग का कार्यक्रम न्यूट्रलाइट ने चलाया उसके सारे फीचर्स आप पाएंगे ये अष्टांग हृदय संहिता में लिखे हुए, उस पर थोड़ी चर्चा भी आज हम करें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को खत्म करके हम आगे बात करेंगे। संपूर्ण मानव जाति, आपको मालूम है कि ये सब चीज पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर, हम लोग सब जानते हैं, अपने हमने ग्रंथों में पढ़ा है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये पंच तत्व हैं। और देखिए क्या यह संयोग है या एक पूरा वेल कंसीव्ड मॉड्यूल प्रकृति ने या ईश्वर ने बनाया। पूरा ब्रह्मांड किस चीज से बना है? शरीर, चाहे वो किसी का शरीर, शरीर यहां हम चूंकि मानव जाति कर रहे हैं वहीं तक हम सीमित करते हैं। शरीर यानी भोजन, एक दूसरे का पर्याय है, शरीर के बगैर भोजन और भोजन के बगैर शरीर की परिकल्पना आप नहीं कर सकते। इसके बाद मन यानी आत्मा, और उसके बाद समाज, यह तीन चीज मिल करके संपूर्ण मानव जाति सृष्टि बनी। और ये तीनों चीज इन्हीं पंच तत्वों में सन्निहित। अब एक एक करके देखिए, दो मिनट में आपको अच्छा लगेगा। शरीर और भोजन को आप यहां पर फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस एक मानिए। भोजन अग्नि, अग्नि के बगैर भोजन कल्पना आप नहीं कर सकते। जल भोजन, अन्योनाश्रय संबंध है, जल से भोजन पकता है, और अगर आप फल सब्जी भी खाते हैं तो उस इनहेरेंट जल होता है। वायु, खाना वायु के बगैर बन नहीं सकता है। पृथ्वी, पृथ्वी न हो तो फसल नहीं हो, और फसल नहीं हो तो भोजन नहीं। और आकाश, जहां से वर्षा पानी आता है। यानी आप देख लीजिए, और भोजन इन्हीं पांचों पंच तत्वों से बना हुआ। अब आइए थोड़ा मन की बात करते हैं। मन, अग्नि, आप जरा आप इसके कोरिलेशन को एस्टैब्लिश कीजिए। पांच तत्वों में जल, हमेशा बोलते हैं मन अशांत रहेगा तो ऐसा ही लगेगा जैसे जल की तरंगे उठ रही, इसलिए हमेशा बोला जाता है मन को शांत कीजिए, जल को शांत कीजिए। वायु, मन वायु के वेग से भी ज्यादा दौड़ता है। पृथ्वी, आपके मन के परिधि में समस्त पृथ्वी है, आप एक बार मन दौड़ाइए हिंदुस्तान से लेके यूएस होकर के पूरे धरती को नाप जाइए, इससे ज्यादा वेग तो किसी का होता ही नहीं। आकाश, मन के विचरण का पर्याय। अब थोड़ा ये समाज पर देखिए, समाज कैसे पंच तत्व से बना। पंच तत्व का पहला अग्नि, ऊर्जा, ऊर्जा के बगैर समाज की कल्पना व्यर्थ। कथन बड़ा ऊर्जावान समाज, ऊर्जावान देश, ऊर्जावान शरीर, ऊर्जावान व्यवस्था। जहां ऊर्जा नहीं होता है वहां मृत्यु होती है, ठहराव होता है। जल, कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध अगर हुआ तो वह कदाचित जल के लिए। आपको बताते चलें कि रामायण के युद्ध को छोड़ दीजिए आप अगर, तो संसार में जितने भी युद्ध हुए वो सब धरती के टुकड़े के लिए। रशिया और यूक्रेन अगर लड़ रहा है तो धरती के टुकड़े के लिए। फिलिस्तीन में हमास और इसराइल का युद्ध धरती टुकड़े के लिए। लेकिन कहता है कि तीसरा विश्व युद्ध कदाचित जल संसाधन पर हो, इसीलिए वैसा देश बहुत शक्तिशाली माना जाता है जिसके पास नौसेना। वायु, समाज के विकसित होने का पर्याय आज बन चुका है। हम लोग देखते हैं कौन से देश में सबसे कम वायु
प्रमाण है, माना जाता है वहां का समाज सबसे विकसित। भगवत गीता में एक श्लोक है, पवन पवतामस्मि राम प्रवृतामहं जसा नाम मकरश्चात्मि स्रोत सामस्मि जानवी। वायु सभी प्रदूषण को ठीक कर देता है। वस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ राम है, जलचरों में सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान मगर है, और नदियों में पवित्र गंगा है। वायु, पृथ्वी, पृथ्वी और समाज का तो ऐसा संबंध है कि पृथ्वी के बगैर समाज और समाज के बगैर पृथ्वी, कल्पना बेकार। आकाश समाज की उन्मुक्त सोच का प्रतीक है। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, चाहे वो ब्रह्मोस का, अग्नि मिसाइल का हो या किसी चीज का हो, पुराने जमाने में अग्नि भेदी और आकाश भेदी बाण चलते। ये मैंने कि पुरातन और पंच तत्वों की, अब थोड़ा आइए, आपको जान करके आश्चर्य होगा, आप धर्म के दृष्टिकोण से भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन आप दर्शन मानिए, आप सोच करके देखिए कि इस पूरे मानव, इस पूरे सृष्टि में अगर कोई एक व्यक्ति कंप्लीट हुआ, संपूर्णता को प्राप्त किया है, तो वो श्री कृष्ण है, जिन्होंने बचपन बिताया तो ऐसा बिताया कि आज भी लोग उपमा देते हैं, बच्चा नटखट कान्हा की तरह, थोड़ा व्यस्क हुआ, शरारत की तो कन्हैया की तरह किया, और जब युवा हुआ, प्रेम और रासलीला रसाई, आज भी जो लोग थोड़े रसिक मिजाज के होते हैं, कथा बड़ा कृष्ण कन्हैया बन, और जब इन्होंने ज्ञान दिया तो 18 अध्याय 700 श्लोक का वो ज्ञान दिया कि जिस पर हजारों नोबेल पुरस्कार ने उछावा, ऐसा ज्ञान दिया, गीता को सॉन्ग ऑफ गॉड बोलते हैं, तो अगर यह गीत है तो इस पर हजारों और ने उछावा, और जिसने युद्ध लड़ा तो 5 लोगों को लेकर 7 अक्षुणी सेना के 11 अक्षुणी सेना को था युद्ध का कौशल। इसलिए भगवत गीता में आप जिस चीज को उठाइए, अभी हम एक रिसर्च कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड भगवत गीता, पढ़ करके थ्रिल्ड हो जाते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की अधिकांश धारा, प्रियम्बल को तो आप पढ़िएगा तो लगेगा भगवत गीता का रिप्लिका है। देखिए, स्वास्थ्य, पोषण, योग, हम लोग मॉर्निंग न्यूट्रिशन क्यों, वाई मॉर्निंग, कितना बढ़िया लिखा हुआ है, आप जरा इसको देखिए, कुछ श्लोक को थोड़ा आप देखिए, ये श्लोक 6:16, नत्यस नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस नत न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन। कहता है कि योग अगर हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो रहा है मॉर्निंग न्यूट्रिशन में योगा का, कहता है कि लेकिन अगर योग कर रहे हैं तो मालूम है योग किए और भर पेट फूस के खा लिए, 2 बजे सोए और 11 बजे उठ रहे हैं, और कभी जागे हैं तो रात भर जागे हुए हैं। कहता है कि अगर योग के फायदे आपको लेने हैं तो मॉडरेट भोजन, मॉडरेट नींद, न जो अधिक सोता है न अधिक जागता है, न बहुत कम खाता है न बहुत ज्यादा खाता है, योग उसके लिए। सोच करके देखिए, हम लोग कितना योग में बताया जाता है कि भाई ये खाना है, ऐसे नहीं खाना, हजारों साल पहले लिखे गए भगवत गीता के। देखिए इसको पढ़िए, युक्ताहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। कहता है कि संतुलित आहार, संयमित आहार, संयमित एक्सरसाइज, माने जितना आपसे बन सके, की पार्टी में गए, बढ़िया व्यंजन देखे, अब पूरा प्रेमा जी बोलते हैं ना, चेप के खाए, किसी दिन सनक मालूम हुआ 2 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहता है कि निद्रा, कर्म, आहार और विहार को संतुलित करने के बाद जो
जाता है, उसको अच्छी नींद अच्छा आहार लेकर करता है, तो संपूर्णता से और समग्रता से योग मतलब क्या है, जोड़, शरीर मन आत्मा समाज को जोड़ने को योग कहते हैं। योग महज एक्सरसाइज नहीं है, में जाके ट्रेडमिल में दौड़ लिए वो एक्सरसाइज है, आप कर सकते हैं, लेकिन योग इज समथिंग डिफरेंट। अब इसको देखिए, आयु सत्व बला रोग सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विक क्रिया। कहता है भोजन कैसा करना चाहिए, कितना बढ़िया मॉर्निंग न्यूट्रिशन में बताया गया, सुबह में ये खाना है, कैसे फल सब प्रोटीन विटामिन मिनरल्स। कहता है कि यदि आप रसयुक्त भोजन, फल है जिसमें रस है, मालूम हुआ कि रखे हुए फ्रिज में सूख गया, उसके बाद उसको चिप्स बना दिए, रसयुक्त भोजन फल स्निग्धा हृदय आहारा, वैसा चीज जो हम लोग बोलते हैं ना कि प्रोटीन हम लोग क्यों ले रहे हैं, मिनरल्स विटामिन की प्रोटीन में पीडी स्कार का एक पीडी स्कोर का एक कॉन्सेप्ट है कि आपके शरीर में कितना वो ग्रहण होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो स्कोर बोलते हैं। देखिए भगवत गीता के 17 अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा हुआ है कि वैसा भोजन लेना है रसयुक्त हो स्वादिष्ट हो और जो एब्जॉर्ब हो जाए ठीक से। एक देखिए कहता है कैसा भोजन नहीं लेना चाहिए, कटुआ लंब लवणा युक्त तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राज्यस्य श्रेष्ठा दुख शोका मयप। आजकल फैशन चला है ना, सीजलर खा रहे हैं, पार्टी में जाइएगा तो लहराते हुए आग लगा हुआ भोजन वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। वैसा भोजन जिसमें बहुत नमक है, बहुत खट्टा है, बहुत तीक्ष्ण है, बहुत कड़वा है, वर्जित है। आधुनिक समाज में वेस्टर्नाइज होने के चलते हम लोगों ने वैसे वैसे लाइफस्टाइल को अपनाया, वैसे फूड को अपनाया, वैसे फास्ट फूड को अपनाया, जिसने हमारी पूरी जीवन शैली को तो किया ही खराब किया ही, हमारे स्वास्थ्य, हमारे पोषण, हमारे मन, हमारे इंद्रियों को भी खराब किया। 17वां 9वां श्लोक 10वें श्लोक में जरा देखिए, आपको पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। यात्मम गत रसम उति पर्युषित च यत उच्चिष्ठम पी चामेध्य भोजनम तामस प्रियम। ऐसा भोजन जो सूखा हुआ है, सड़ गया है, जिसमें बदबू आ रहा है, बहुत दिन से रखा हुआ है फ्रिज में ठंडा है, दाल सब्जी बना के रख दिए मैडम कहे तो रोज खाना नहीं बनाना पड़े और उसको खा रहे हैं, यह भोजन आपके मस्तिष्क, आपके शरीर, आपके मन तीनों को दूषित कर दे, इसलिए ऐसे भोजन वर्जित है। मैं यहां पर स्लाइड को खत्म करके कुछ बातों को बताना चाहता हूं। क्यों कहता है मॉर्निंग न्यूट्रिशन, क्यों सुबह में सबसे ज्यादा आहार की आवश्यकता, क्यों बात होती है। भागवत जी ने कुछ नियम बनाए हैं और आपको आश्चर्य, अपना अनुभव शेयर करूंगा कि कुछ नियम को हमने ग्रहण किया। भागवत जी के उस किताब में 5 चैप्टर की चर्चा है। पहला है दिनचर्या, दूसरा है ऋतुचर्या, तीसरा है आहार, चौथा है पोषण और 5वां है व्यायाम। आप सिंपल समझिए कि 4 नियम को, जो कि बहुत ही आसान है, हम लोग कर सकते हैं। पहला नियम क्या है, और देखिए ये कैसे हम लोग न्यूट्राइट में जो साइंटिस्ट आ रहे थे बता रहे थे, को रिलेट करिए। कहता है कि सुबह उठने के बाद हल्का गुनगुन पानी बगैर ब्रश किए हुए आपको पी लेना चाहिए, 1-2 गिलास जितना पी सकते। क्यों, आपके जिह्वा पर अच्छी प्रक्रिया प्रोबायोटिक ट्रिलियंस की संख्या में, कई ट्रिलियन, कई खरब। आप सुबह उठे 1 गिलास
पी लिए, सारे गुड बैक्टीरिया आपका नष्ट। लेकिन और वो जो सलाइवा है वो अमृत होता है, इसलिए जैसे ही आप पानी पीगा वो सारा गुड बैक्टीरिया आपके शरीर में जाएगा और आपके पूरे इंटेस्टाइन को, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही मजबूत कर देगा। ये पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि भोजन बनाना और खाना, यह दोनों यथासंभव, यथासंभव अब इसलिए बोल रहे हैं कि अब हमारे जीवन शैली होगी, लेकिन आदर्श स्थिति है कि भोजन का पकना और भोजन का खाना दोनों सूर्य की रोशनी, यानी सूर्य की रोशनी यदि भोजन पर लगे और जो आप खाना खा रहे हैं वो सूर्य की रोशनी आपके देह और आपके थाली पर पड़े तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाए। क्यों? वास्तु में पूरब दिशा की ओर आपका किचन बनता है। ये दूसरा नियम कहता है ऐसा क्यों है? पेट के अंदर जो जठर है उसमें HCL का सिग्रीशन होता है और उसमें संस्कृत में कहा जाता है जठर अग्नि। आप जैसे ही खाते हैं HCL का सिग्रीशन होता है, आपके शरीर में अग्नि, आग जलता है, और जठर अग्नि सूर्योदय से शुरू होता है और सूर्यास्त के बाद समाप्त होने लगता है। यानी कि अगर भोजन बना और सूर्य की रोशनी पड़ी और आप खाए सूर्योदय के समय, सनलाइट में ही खाए, तो जठर अग्नि सबसे प्रबल होती है और सबसे ज्यादा प्रबल उसमें भी होती है मॉर्निंग 8 बजे 9 बजे सूर्योदय होता है, सबसे बिल्कुल प्रज्वलित होती है, सबसे प्रचंड होती है। इसलिए उस वक्त जो सबसे ज्यादा आहार आप लीजिएगा, न्यूट्रिशन लीजिएगा, वो जल्दी न सिर्फ पचेगा बल्कि उसका मेटाबॉलिज्म होगा और आपके शरीर को उतना ही फायदा। ये नियम। तीसरा नियम, भोजन के 40 मिनट पहले और भोजन के 40-45 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि आपने बताया कि जठर अग्नि, आग लगा हुआ। अब मान लीजिए चूल्हा पर आपने खाना बनाया, खाना पक रहा और उसमें पानी डाल दिया। अब आपने भोजन लिया, अग्नि काम करना शुरू किया, मेटाबॉलिज्म शुरू हुआ, गड़गड़ा के एक गिलास ठंडा पानी पी लिए, ले बलैया समूचे बुझ गया, सब बुझ जाएगा आगे। तो क्या होगा? जब आग बुझ जाएगा वो सारा भोजन आपका सड़ जाएगा। देखते हैं ना गैस निकलना, धुआं, डकार, जहां बैठ रहा है वहीं मैंने डकार मार रहा है कि अगर खाली है मूली तो अगल बगल वाला भाग जाएगा, ये स्थिति हो जाती। इसलिए 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद। चौथा नियम कहता है कि पानी घूट घूट करके, उन्होंने कहा कि कैसे जानवर पानी पीता, उसको देखिए, जैसे जानवर पानी पीता है, जानवर ही प्रकृति का नजदीक रहा, वैसा पानी पीना चाहिए, पानी को खाने की तरह, खाने को पानी की तरह पीना है, धीरे धीरे पीना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको एकदम इसको याद रखिए और इसको करना है। हम लोग सब भागवत जी कहते हैं कि ठंडे पानी को पीना, मैंने बहुत ठंडा, और गर्म पानी से नहाना, यह आपके शरीर को, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बना देगा। और हम लोग ने वेस्टर्न कल्चर में क्या किया, गर्म पानी से नहाने की हमारी संस्कृति नहीं थी, यह वेस्ट में था क्योंकि उसमें बहुत ठंडा पड़ता, वो गीजर लगाया, हम जैसे ठंडा हुआ लगाए गीजर, अब कड़ाक से खोले सीधे माथे पर ले। आप देखिएगा अक्सर उसके कारण हार्ट अटैक होता है। पानी को ना पहले लेकर के नहाने की शुरुआत करते, इसलिए याद रखिए गर्म पानी से नहाना और ठंडा पानी पीना या आपके आपके मन, आपके पोषण तीनों को कमजोर कर। और अंतिम चीज, क्योंकि इसको हम पालन कर रहे हैं और ये संभव भी है, सूर्यास्त के पहले भोजन लेना। विगत 3 महीने से एकाद अपवाद कहीं छूट गया हो, 3 महीने से 6 से 6:30 हम भोजन करते, उसका परिणाम ये होता है कि 9:30-10 तक नींद आ जाती है। हम लेट राइजर थे पहले, इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के पहले 8:30-9 से पहले नींद नहीं खुलती। अब स्थिति यह है कि 4:30-5:15 होते होते अपनी नींद खुल जाती, और 7 से लेकर 8 तक प्राणायाम करके निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कार्यक्रम में बैठते हैं। मित्रों, मेरे पास 5 मिनट का समय है,
मैं दो तीन चीज बता के आपको रैप अप करता हूं। अभी एक बड़ा अच्छा रिसर्च आया है चीनी और नमक के बारे में, इसको आप पढ़िए, वेबसाइट पर उपलब्ध है, अखबारों में भी छपा है, हिंदू में एक सप्ताह पहले छपा था। एक संस्था है एनजीओ, उसने बाजार से 8 ब्रांड के नमक, जिसमें कुछ लोकल नमक भी था, कुछ ब्रांडेड कंपनियों के नमक थे, चीनी कुछ ब्रांडेड कुछ नॉन ब्रांड, ऑफलाइन भी खरीदा, यानी बाजार से भी खरीदा और ऑनलाइन, और जब उसके टेस्ट हुए तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, एकाद अपवाद को छोड़ करके सारे स्पेसिमेन सारे नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं, माइक्रो मिलीग्राम में। कैसे आते हैं? एक तो प्रोसेस में प्लास्टिक का उपयोग हुआ, कंटेनर जहां रखा उसमें प्लास्टिक का उपयोग हुआ, और जो पैकेजिंग हुई इसमें प्लास्टिक का उपयोग। कहता है एक ग्राम अगर आपने माइक्रो प्लास्टिक खा लिया है, यानी आपके अमाशय में, तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 ईयर टू डिकम्पोज। अब आप सोच करके देखिए, डाटा बताता है कि हिंदुस्तान में एवरेज प्रति व्यक्ति 5 ग्राम नमक और 10 ग्राम चीनी खाता, यानी आप लगभग 2 से 3 साल होते होते 1 माइक्रोप्लास्टिक ले ले रहे, और ये माइक्रोप्लास्टिक आपके शरीर में आपके अमाशय में डिकम्पोज होने में वर्षों लगेंगे। निर्णय हमने लिया, आज 3 महीना हो गया है, 90 दिन, हमने चीनी का एक दाना भी नहीं ग्रहण किया, एक दाना। शुरू में एकाक्ष बहुत परेशानी हुई, चाय भी बंद कर। विगत 90-95 दिनों से मैंने चीनी का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, और उसका ये हुआ कि जो ड्रॉजनेस आती थी, नींद आती थी, आलस रहता था, वो सारा चीज खत्म। मित्रों, हमारे बस में ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए योग जो है और मॉर्निंग न्यूट्रिशन, दोनों का कॉम्बिनेशन आपके स्वास्थ्य को ऑप्टिमम लेवल पर लेके चला जाए। इन नियमों का पालन हम कर रहे हैं और हमको बिल्कुल करना चाहिए। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अंतिम 1-2 मिनट में यही कहना चाहूंगा कि हमारे इंडियन कल्चर, हमारे इंडियन सभ्यता और संस्कृति में हमने सबसे उत्कृष्टता हासिल, मैंने कहा ना कि 2200 वर्षों तक हमारा स्वास्थ्य, हमारा मेडिकल साइंस, हमारी दिनचर्या संसार में सर्वश्रेष्ठ। आपको बताते हैं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम था जॉर्ज ऑफ वाशिंगटन, मात्र 37 साल में उनकी मृत्यु हो गई। हुआ ये था, जरा सोच लीजिए कि उस वक्त वहां का मेडिकल साइंस का क्या स्थिति। इसलिए अपने ऊपर गर्व करना से हम सब लोग हीन भावना से ग्रसित, और उसके कई एक कारण, ऐतिहासिक कारण, लेकिन वो सारी चीजें अब धीरे धीरे आनी शुरू हो। 48 भाषाओं में भगवत गीता का ट्रांसलेशन हुआ है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे अब दूसरे देश के राष्ट्रों को ताजमहल गिफ्ट नहीं करते हैं, वो गिफ्ट करते हैं भगवत गीता। पढ़ने का प्रयास की, बहुत सिंपल है, आप थ्रिल्ड हो जाइएगा, आपकी तमाम चुनौतियों को खत्म कर देगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा था कि वो कमांडर थे आर्मी के, युद्ध लड़के आए, भींगे हुए थे, खाना खाया वैसे ही सो गए, उनको टाइफाइड हो गया। अब सोच लीजिए, वहां के डॉक्टर को समझ में नहीं आया, सारा टेस्ट किया, गला उनका चोक हो गया था, तो गला में कुछ दिया, इनीमा दिया, जो भी कर सकता था डॉक्टर, यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि इनका खून जो है वो दूषित हो गया, टॉक्सिक हो गया। उस राष्ट्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी थे टोबियास लियर, उनका नाम है, उनकी लिखी हुई किताब कभी मौका मिले तो पढ़ सकते। क्या किया कि राष्ट्रपति को बांध दिया बेड में और उसका नस काट दिया कि इसका जो टॉक्सिक ब्लड है वो निकल जाए, सारा रक्त बह गया, और राष्ट्रपति 1799 में
1785 में अमेरिका आजाद हुआ था और 1799 में राष्ट्रपति की मृत्यु उस आयुर्विज्ञान के अज्ञानता के चलते, और उस दौर में इस देश में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिजिशियन डरक थे, सर्वश्रेष्ठ सर्जन सुश्रुत, सब कुछ हमारे पास है। इसलिए न्यूक्लाइड कहता है कि बेस्ट ऑफ नेचर बेस्ट ऑफ साइंस, धरती को ठीक करें, प्रकृति से जुड़ें, अपने आहार विचार संस्कार जो हमारे बस में है उसको हम करें, और ये जो शानदार कार्यक्रम 8 से 8:30 चलता है इसको अपने जीवन में अपने को समर्पित कीजिए, औरों को समर्पित कीजिए। आप यकीन कीजिए कि इस कार्यक्रम से जैसे जैसे आपके रक्त धमनियों में इस कार्यक्रम की संस्कृति का प्रवेश होगा, स्नेह स्नेह उत्कृष्टता को धारण करते चले। मित्रों याद रखिएगा, भगवान कृष्ण एक जगह कह, भगवान कृष्ण हर जगह उत्कृष्टता की बात करते हैं, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। उत्तम छल तयामश्मि तेजस तेजस विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वम। तेजस्वियों का तेज है आप, कुमारियों का स्ट्रेटजी है आप, उद्यमियों का व्यापार है आप, और सत्व का सत्य का प्रतीक है। इसलिए जो चीज हम लोग के चले हैं यह सिर्फ अपने पास नहीं रखने की है। भगवान कृष्ण एक जगह गीता में कहते हैं कि जो भोजन जो योग जो ज्ञान जो संस्कृति और संस्कार सिर्फ अपने फायदे के लिए किया जाए वह पाप के समान। इसलिए आइए इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन के कार्य इसकी ज्योति को इसके लय को इसके प्रवाह को सीमाओं के बंधन को तोड़ते हुए समस्त मानव जाति के लिए समस्त वैसे लोगों के लिए जो अवसाद दुख व्याधि से ग्रसित है उसके बीच इस ज्ञान का इस योग का इस पोषण का इस का इस संस्कार और संस्कृति का प्रवाह फैलाएं और समस्त संसार में इसको फैलाएं। एक श्लोक बोल करके अपनी बात खत्म करते हैं। उपनिषद का एक श्लोक है, सहनो भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीमस्तु मा विद्विषावहै। आइए यूनाइटेड लेकर एक अच्छा आहार लें, एक साथ होकर के अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, एक मिल करके व्याधियों संकटों और दुश्मन दुश्मन मतलब है कोई आदमी नहीं है, इन तमाम चुनौतियों से लड़ें और एक शानदार समाज शानदार संस्कृति समाज का निर्माण। धन्यवाद। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नमस्कार।